आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केला के फूल की बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया की रेसिपी, जो आप दूसरी भुजिया खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी। मैंने लिया है केला का फूल। केला का फूल को अच्छे से छील करके इसका फूल जो है अलग करना है। दोस्तों, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हमें ये इसमें का जो अंदर का हिस्सा होता है, ये देखिए कड़ा होता है और बहुत ही कड़वा लगता है, तो इसे मैं निकाल देती है। तो मैं डाल दे रही हूँ इसमें तेल। मैं इसमें 5 चम्मच तेल डाल रही हूँ। बिल्कुल अलग तरीके का ये भुजिया है, इसे बिना उबाले में बना रही हूँ इसको। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ केला का जो फूल लिया है इसको भून लेना है। देखिए, मैंने केला का फूल तेल में डाल दिया है और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसे निकाल लेती हूँ। जो तेल बच गया है इसमें डाल रही हूँ जीरा 1/2 चम्मच, और ये मैंने 2 प्याज को इस तरह से काट लिया है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ प्याज को। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो थोड़ा सा 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरा मरीच का मैंने पेस्ट तैयार किया है, इसको डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो मसाला जो है अच्छे से हमारा भून गया है, तो केला का फूल डाल दे रही हूँ इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए केला का भुजिया जो है बन के बहुत सुंदर तैयार हो गया है, आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया बना हुआ है। तो गैस को बंद कर देती हूँ ना। तो केला का भुजिया देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर एक बार इस तरह केला के फूल का भुजिया जो खा लेंगे तो आप दूसरा भुजिया जो है खाना भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट भुजिया बनी है। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी।